शिवपुरी शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शिवपुरी की बेटी को न्याय दिलाने के लिए शिवपुरी नगर में कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर शिवपुरी शहर के समाज सेवी संगठनों ने अपने हाथों में कैंडल जलाकर 6 साल की मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला। गौरतलब है कि बीते रोज शिवपुरी जिले के करेरा थाना क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर पूरे जिले में रोष व्याप्त है। मासूम को न्याय दिलाने के लिए समाज सेवी संगठन आगे आए हैं। जिले के विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ताओं ने शहर के माधो चौक तक एकत्रित होकर मासूम को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारियों ने मासूम के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी दिलाई जाने की मांग की है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम है अखिल प्रताप सिंह। मैं हिंदू जागरण मंच से जिला कार्यकारिणी सदस्य। ये किसी समाज की नहीं थी, ये सर्व समाज इसमें सम्मिलित है, किसी संगठन से बिलोंग नहीं करती ये रैली। अब चूंकि क्या कहते हैं, ऐसा घृणित कार्य जो हम पिछले दशकों में देखते आ रहे हैं कि महानगरों तक सीमित था, अब चूंकि वो हमारे छोटे शहरों तक आ गया है, इसलिए सोचने का विषय ये है कि हमारे नैतिक मूल्य कितने गिरते जा रहे हैं। इसके लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि क्या कहते हैं, नैतिक मूल्य हमारे ना गिरें। और क्या कहते हैं, चूंकि जैसा भाई साहब ने बताया था, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जी को ने बताया था कि वो बार काउंसलिंग में ये आग्रह करेंगे, जिसका आग्रह हमारे द्वारा पहले ही किया जा चुका है। बार काउंसिल से हमने पहले ही आग्रह कर लिया है कि ऐसे किसी भी दोषी व्यक्ति का भविष्य में भी कोई केस ना ले, क्योंकि क्या है, बच्चियां तो हर घर में होती हैं, और चूंकि इतना घृणित कार्य हुआ है तो हिंदू जागरण मंच जिला शिवपुरी इसकी घोर निंदा करता, और इसके लिए इस आंदोलन में सक्रिय सहयोगी है। सभी हिंदू समाज, सर्व हिंदू समाज सम्मिलित है इसमें, पूरा सीपी जिला सम्मिलित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह यादव है। विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष का मेरा दायित्व है। ये पूरे हिंदू समाज को विदित है कि हमारी एक मासूम बेटी के साथ जो घिनौना कृत्य हुआ है, और जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है उस कृत्य को फांसी की सजा तो मिलना ही चाहिए, लेकिन क्या है कि ये ना समझे हमारा समाज कि ये एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है। ऐसे कृत्य करने वालों के लिए ऐसी घिनौनी सज़ा दी जाए कि जिससे वो कम से कम सड़सड़ के मरे। साला हरामखोर ने जो कृत्य किया है वो ऐसा कृत्य किया है कि हम लोग अपनी जबान से कह भी नहीं सकते। एक 6 साल की मासूम से अगर वो बलात्कार करके उसको जिंदा जला देता है, मार देता है और खेतों में डाल देता है, उसको क्या उसके साथ किया होगा उस हरामी ने, उस दरिंद्र ने, कि ये पूरी बेटियों के साथ ऐसा ना हो आगे और ऐसा उसको सज़ा मिले कि पूरे देश के अंदर एक मैसेज चला जाए, समाज के अंदर ये मैसेज चला जाए कि ऐसा घिनौना कृत्य करने के बाद में ऐसा होता है। उस हराम खोर के पैर हाथ पैर काट करके डाल देना चाहिए और फांसी तो बाद में देना चाहिए, कम से कम वो तड़प तड़प के मरे। उस हरामी को इतना ऐसी सज़ा मिलना चाहिए। मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, हमारे सभी समाज के लोगों से, कि करेरा में जो कल एक रैली का आयोजन और ये आंदोलन का एक आयोजन हो रहा है, उसमें सभी समाज के लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुशवाहा समाज की बेटी थी, हम सब समाज की बेटी थी, वो पूरे भारतवर्ष की बेटी थी। वो उस बेटी के साथ जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, उस अन्याय की लड़ाई के लिए हम सब लोग एकत्रित होकर के और करेरा में पहुँचे और शासन और प्रशासन का घेराव करें, और ऐसे दरिंद्रों के, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीच चौराहे पर आकर के उसके हाथ पैर कटवा देने चाहिए, और फांसी तो बाद में देना चाहिए, तो थोड़ा पड़ के मरना चाहिए वो। तो कल आप ये आह्वान करें, सभी लोग वहाँ पहुँचे करेरा में, जैसा भाई साहब कैलाश भाई साहब ने भी बताया कि आपको वहाँ पहुँचना है, तो सभी लोग पहुँचेंगे कल। उसके साथ साथ मैं विधि प्रकोष्ठ के माननीय अध्यक्ष महोदय से भी ये निवेदन करूँगा कि इस मामले का, ऐसे घृत मामलों का, ऐसे कृत्य मामलों का, अगर कोई भी हमारा शिवपुरी का वकील उस केस को ना ले, अगर वो ऐसा करते हैं एडवोकेट, अगर हमारी एडवोकेटरी ऐसा करती है, अगर उनके केस को लेती है ऐसे घिनौने केसों के लिए, तो हम उनके खिलाफ़ भी आंदोलन के खड़ा कर देंगे, और ये पूरा समाज हमारे साथ होगा उस दिन। उस दिन उनको भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। ठीक है, हमारे कानून के रखवाले हैं, कानून की व्यवस्था करते हैं और कानून की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा इस मंच के माध्यम से, ये सोशल मीडिया और ये मीडिया के माध्यम से, कि वो माननीय अध्यक्ष मेरी अगर बात को सुने, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो कम से कम ऐसे कृत्यों का केस हमारे वकील ना लें,
उनसे भी हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, क्योंकि वो समाज की बेटी है, आपकी भी बेटी है, और ऐसे दरिंदों के लिए अगर हम केस नहीं लेंगे कोई भी, क्योंकि पैसा तो हर व्यक्ति कमाता है और आपके लिए बहुत सारी जगह है पैसा लेने के लिए। देखो ये बेटी के साथ जो कृत्य हुआ है वो एक ऐसा है कि इसी को हम बोल भी नहीं सकते, और आज पूरा सीपरा जिला सदमा में है, क्योंकि बेटी की उम्र मात्र 6 साल थी और जो कृत्य हुआ है वो एक निंदनीय काम है। लेकिन सभी पूरे सीपरी ज़िले की सभी जनता की मांग है कि अपराधी को ऐसी सज़ा मिले, कोई ऐसा कृत्य करने का सपने में भी नहीं सोचे, और मैं तो यही कहूँगा कि इसके लिए सभी पूरे ज़िलेवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि इसकी सज़ा की हर जगह मांग रखे और इसको ऐसी सज़ा मिले, मैं तो ये कहूँगा कि फांसी से बड़ी जो सज़ा होती है वो भी मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।